गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो आपको मिल्टा पावर पे यहां पे जो स्पाइडरमैन की पावर देखने को मिलती है भाई, ये जो पावर है ये आपको और कहां कहां देखने को मिलती है। क्योंकि भाई अगर आप यहां पे मिल्टा पावर पे आते हो तो गाइस यहां पे तो काफ़ी सारे बंदे आते हैं और भाई इस पावर को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गाइस वीडियो के अंदर आपको टॉप 14 ऐसी लोकेशन बताने वाला हूँ भाई, जहाँ से इस पावर को आप काफ़ी आसानी से ले पाओगे और भी आप इन पावर का यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बस आपको वीडियो के एंड तक देखना है। और भाई अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि भाई इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलेगा जब बिना टाइम वेस्ट किया कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जो हमारी पहली लोकेशन है वो है पोचंकी। तो पोचंकी में आपको यहाँ पे ये जो घर देखने को मिलता है, आपको सिंपल साइज वाले घर के अंदर ऊपर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे इस साइड में आ जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर ये वाले क्रेट देखने को मिल जाएगी जो कि भाई यहाँ पे जाले के अंदर कैद है। तो भी आपको सिंपल साइज के ऊपर फायर करना है और भाई ये जो क्रेट है यहाँ पे नीचे गिर जाएगी और गाइस आपको सिंपल साइज को लूट लेना है। और भाई इसके अंदर आपको यहाँ पे जो स्पाइडरमैन की बॉल है वो भी देखने को मिल जाएगी और भाई साथ साथ आपको यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो वेब बूस्टर है भाई वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को ले सकते हो और भी आप इस पावर का यूज़ कर सकते हो। और गाइस जो हमारी सेकंड लोकेशन है वो है स्कूल। तो आज आपको स्कूल में यहाँ पे सिंपल साइज वाले क्लासरूम के अंदर आ जाना है और भाई क्लासरूम के अंदर आपको यहाँ पे कोने में ये वाले क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो भी आपको सिंपल सा यहाँ पे भी इसके ऊपर फायर करना है और भाई ये जो क्रेट है यहाँ पे नीचे गिर जाएगी और भी आप यहाँ पे इसको भी लूट सकते हो। और भाई जो हमारी थर्ड लोकेशन है वो भी स्कूल ही है। तो स्कूल में आपको यहाँ पे जो स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, आपको सिंपल साइज के अंदर चले जाना है और भाई यहाँ पे मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ भाई आपको भी सिंपल सा उसी जगह पे आ जाना है। और गाइस आपको यहाँ पे भी ऊपर ये वाली पावर देखने को मिल जाएगी, यानी कि भाई आपको यहाँ पे क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो भाई आपको सिंपल साइज के ऊपर फायर करना है और भाई ये क्रेट यहाँ पे नीचे गिर जाएगा और भाई यहाँ से भी आप पावर को ले सकते हो। और जो हमारी फोर्थ लोकेशन है वो है मिल्टा। तो आज आपको मिल्टा में यहाँ पे जो ब्लू हाउस देखने को मिलता है, भाई आपको सिंपल साइज वाले घर के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे कोने के अंदर भाई ये वाले क्रेट देखने को मिल जाएगी, तो भाई आपको यहाँ पे भी सिंपल साइज के ऊपर फायर करना है और भाई ये क्रेट नीचे गिर जाएगी और आप यहाँ से भी इसको लूट सकते हो। और जो हमारी फिफ्थ लोकेशन है वो है मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस में आपको यहाँ पे जो रोड साइड बिल्डिंग देखने को मिलती है, आपको सिंपल साइज वाले बिल्डिंग के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है। और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में जो छोटे वाला रूम देखने को मिलता है, आपको सिंपल साइज के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे भी ये वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो भी आप यहाँ से भी इस वाली पावर को ले सकते हो और भी आप इस पावर का यूज़ कर सकते हो। और जो हमारी सिक्स्थ लोकेशन है वो भी मिलिट्री बेस है। तो मिलिट्री बेस में आपको यहाँ पे टावर की साइड जो ऑफिस देखने को मिलती है, आपको सिंपल साइज वाली ऑफिस के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे भी ये वाली पावर देखने को मिल जाएगी और भी आप यहाँ से भी इसके ऊपर फायर करके इसको नीचे गिरा सकते हो और गाइस आप इसको भी यहाँ पे लूट सकते हो। और गाइस जो हमारी सेवंथ लोकेशन है वो भी मिलिट्री बेस है। तो गाइस आपको मिलिट्री बेस में यहाँ पे जो सी बिल्डिंग के पास ये जो ऑफिस देखने को मिलती है, आपको सिंपल साइज के अंदर आ जाना है और भी आपको यहाँ पे भी ये वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपल साइज के ऊपर फायर करना है और भी आपको यहाँ पे इस वाले क्रेट को भी लूट लेना है। और गाइस जो हमारी एट्थ लोकेशन है वो भी मिलिट्री बेस है। तो गाइस आपको मिलिट्री बेस में यहाँ पे जो फैक्ट्री देखने को मिलती है, आपको सिंपल साइज वाली फैक्ट्री के अंदर आ जाना है और भाई यहाँ पे मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ आपको भी सिंपल सा उसी जगह पे चले जाना है, यानी कि भी आपको सिंपल सा इसी जगह पे आ जाना है और भी आपको यहाँ पे ये वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो भी आपको सिंपल सा इसके ऊपर फायर करना है और भी आपको इसको भी लूट लेना है। तो आज आप यहाँ से भी इस वाली पावर को ले सकते हो। और गाइस जो हमारी नाइन्थ लोकेशन है वो है हॉस्पिटल। तो आज आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में सिंपल सा टॉप फ्लोर के ऊपर आ जाना है और भाई यहाँ पे मैं जिस रूम के अंदर जा रहा हूँ गाइस आपको भी सिंपल सा यहाँ पे इसी रूम के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे भी ये वाली पावर देखने को मिल जाएगी। तो भी आपको सिंपल साइज के ऊपर फायर करना है और भी आपको इसको नीचे गिरा लेना है और भी आपको इसको भी लूट लेना है। और जो हमारी टेंथ लोकेशन है वो है सेवरनी। तो भी आपको सेवरनी में यहाँ पे जो ब्लू हाउस देखने को मिलता है भाई, इसके पास आपको यहाँ पे ये वाली ट्रिपल स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो भी आपको सिंपल साइज वाली ट्रिपल स्टोरी के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आ जाना है और भाई जैसे आप टॉप फ्लोर पे आ जाते हो तो आज आपको यहाँ पे भी ये वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो भी आपको सिंपल सा यहाँ पे भी इसके ऊपर फायर करना है और भी आपको इस वाले क्रेट को भी लूट लेना है। और गाइस जो हमारी इलेवंथ लोकेशन है वो है यसनाया। तो गाइस आपको यसनाया में यहाँ पे जो चर्च देखने को मिलता है, आपको सिंपल साइज वाले चर्च के पास आ जाना है और भी आपको यहाँ पे ऊपर ही वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपल साइज के ऊपर फायर करना है और भाई ये जो क्रेट है नीचे गिर जाएगी और भी आप यहाँ से भी इस वाली पावर को ले सकते हो। और भाई जो हमारी ट्वेल्थ लोकेशन है वो है मेंशन। तो आपको मेंशन में यहाँ पे जो ब्रोकन बिल्डिंग देखने को मिलती है, आपको सिंपल साइज वाली बिल्डिंग के अंदर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आ जाना है और भी आपको यहाँ पे टॉप फ्लोर में इस साइड पे ये वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसके ऊपर फायर करना है और आपको इस वाले क्रेट को लूट लेना है। तो आप यहाँ से भी इस वाली पावर को ले सकते हो। और गाइस जो हमारी 13th लोकेशन है वो है प्रिजन। तो आज आपको यहाँ पे प्रिजन में इस वाली बिल्डिंग के अंदर आ जाना है और भी आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना है
और फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो कोने वाला रूम देखने को मिलता है, आपको सिंपल सा इस वाले रूम के अंदर चले जाना है तो आपको यहाँ पे भी ये वाले क्रेट देखने को मिल जाएगी। और भाई यहाँ पे भी आप इसको फायर करके नीचे गिरा सकते हो और फिर आप इसको भी लूट सकते हो। और गाइस जो हमारी 14th लोकेशन है वो भी प्रिजन ही है, तो आज आपको प्रिजन में यहाँ पे इसी बिल्डिंग के अंदर आ जाना है। और भी आपको यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर है भाई, आपको सिंपल सा उसके ऊपर चले जाना है और भी आपको यहाँ पे इस वाले रूम के अंदर ये वाली क्रेट देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी इस वाले क्रेट को ले सकते हो और भाई आप यहाँ से भी इस वाली पावर का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 14th लोकेशन के बारे में बता दिया है, तो भाई आप इन सभी लोकेशन से इन पावर को ले सकते हो और भाई आप इन पावर का काफ़ी आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।